चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार और शुरू करते हैं आज सॉरी के साथ। आप सब पिछले 15-20 दिन से बहुत परेशान हैं, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं लेक्चर्स नहीं ले रहा हूँ। तो उस बीच के सेशन को तोड़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आज लेक्चर लेना, स्टार्ट करते हैं फिर से, क्योंकि पिछले 15 दिन मैं ड्यूटी में था कोरोना वार्ड के अंदर, तो मैं वहां से लेक्चर नहीं ले सकता था। उसके बाद फिर उसके बाद रिपोर्ट निगेटिव आई, फिर 7 दिन क्वारंटाइन था, तो ये 20-22 दिन का जो फेज था उसमें मैं लेक्चर नहीं ले पाया और उस पर थोड़ी तबियत नासाज थी, इसलिए आपसे मिल नहीं पा रहा था। तो एक नई तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 फार्माकोलॉजी हम लोग खत्म कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फार्माकोलॉजी यूनिट 2 में फिफ्थ सेमेस्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि आपने देखा था कि यूनिट नंबर 1 में कुल 6 चैप्टर थे, उसी तरह से यूनिट नंबर 2 में कुल 5 चैप्टर है। इन 5 चैप्टर की हम बात करेंगे, तो पहला चैप्टर है ड्रग यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ शॉक। यानी हम इस लेक्चर में बात करेंगे शॉक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, शॉक की थेरेपी कैसी होती है, शॉक थेरेपी में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, उन सभी मेडिसिन की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है। फिर बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 हीमेटेमिक्स, कॉगुलेंट एंड एंटी कॉगुलेंट। आपको पता है कि हीमेटेमिक्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी सप्लीमेंट जो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं या ब्लड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज करते हैं, जिसमें आयरन है, फाइलिक फोलिक एसिड है, ठीक है, विटामिन B6 B12 है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जे दे आर द हीमेटेमिक्स। एंड कॉगुलेंट एंड एंटी कॉगुलेंट क्या होते हैं, कि जब आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए जो ड्रग देते हैं वो एंटी कॉगुलेंट, तो ये क्लॉटिंग होना जरूरी है, एंटी कॉगुलेंट देना क्यों जरूरी है, इनके डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे फाइब्रोलाइटिक एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो प्लेटलेट्स के लिए एग्रीगेशन होता है, जहां पे क्या होता है, हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर में कि एथ्रोमा का फॉर्मेशन होता है, ब्लड हमारे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहां पे फाइब्रोलाइटिक और एंटी प्लेटलेट ड्रग देकर हम उसको एथ्रोमा को दूर करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे इनकी। चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। कभी कभी क्या होता है, जब बॉडी में एनीमिया कंडीशन आती है और ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम बहुत डाउन हो जाता है, तो उस समय हम जो भी सप्लीमेंट्स देते हैं, जो भी लिक्विड्स देते हैं आईवी या एनएस के माध्यम से, ताकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करे, दे आर कॉल्ड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। उसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। एंड द लास्ट चैप्टर नंबर 5 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से जीपैट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इज डायुरेटिक्स एंड एंटी डायुरेटिक ड्रग्स। इसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। तो ये था मोटा मोटा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर फ्रॉम यूनिट नंबर 2 में कुल 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस करना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट सी लेक्चर में, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टर दीजिए, ठीक है। तो इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग आज की क्लास में, ड्रग यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ शॉक। लेकिन सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज द शॉक। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि शॉक क्या होता है। देखिए आपको चीज पता होगा कि जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, इंसान को घबराहट होनी शुरू होती है, उसको बहुत ज्यादा उसके बॉडी की बीपी बढ़ने लगती है, क्या होता है, उसको घबराहट होती है, पसीना आता है और उसको दिक्कतें होती है। लेकिन कभी क्या आपने देखा है कि किसी बंदे का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगे, तो उस केस में वो धीरे धीरे निश्चेत होने लगता है और ज्यादा ब्लड प्रेशर डाउन होने पर उसको चक्कर आने लगता है, वो बेहोश होने लगता है और ज्यादा ब्लड प्रेशर डाउन होने पर चलाता है कोमा। वो जो चला गया कोमा में, जिसमें उसकी बॉडी के कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं, इट मींस उसके शरीर में कोई भी चेतना नहीं है, कोई भी ऑर्गन हाथ पैर चल नहीं है, उसे मूर्छा कहते हैं। जो लक्ष्मण शक्ति लगी थी भगवान श्री लक्ष्मण को मेघनाथ ने मारा था, वो निश्चेत हो गए थे हनुमान जी लेके आए थे जड़ी बूटी संजीवनी बूटी, सेम उसी तरह से कोई इंसान पूरी तरह से बेहोश हो जाए, निश्चेत हो जाए, दिस इज कॉल्ड शॉक। अब ये होता क्यों, समझते कि व्हाट इज द शॉक, मैं क्यों ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं। देखिए जब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना तो खतरनाक है ही है, लेकिन ब्लड प्रेशर का घट जाना और खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, कि जब ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाएगा तो जब ब्लड प्रॉपर पंप नहीं करेगा तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। और आपको पता है कि ब्लड 2 चीजें को ट्रांसपोर्ट करता है, पहला होता है ऑक्सीजन एंड दूसरा होता है न्यूट्रिशन। अगर जिस कोशिका तक, जिस टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, उस कोशिका और उस टिश्यू तक ना ऑक्सीजन पहुंचेगा ना न्यूट्रिशन पहुंचेगा। हम इस क्लास में बात करेंगे ऑक्सीजन। आपको पता है कि हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो थोड़ा सा बैक जाओ, बायोकेमिस्ट्री में जाओ, और बायोकेमिस्ट्री में आपको याद होगा कि जो ये हमारा एक सेल है, हर सेल में होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है एनर्जी, याद है, लैक्टिक एसिड, पाइरूविक एसिड,
फिर क्लेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसके लिए जरूरी होता है क्या? ऑक्सीजन। यानी आप इसको रिएक्शन देख लो, C6H12O6, ये हमारे ब्लड सेल के अंदर ग्लूकोज है। अब जब तक ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ये CO2 और H2O में नहीं टूटेगा और यहां से एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी हमारे सभी कोशिकाओं में खाना खाने के बाद तो ग्लूकोज आ जाता है, लेकिन वो ग्लूकोज जब तक CO2 H2O में टूटेगा नहीं तब तक वो एनर्जी बनाएगा नहीं। और कोई भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी। यानी हमारी सभी कोशिकाओं में लाख तुम एनर्जी भर दो, यानी लाख कार्बोहाइड्रेट भर दो, लाख ग्लूकोज भर दो, जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी बॉडी की किसी भी कोशिका के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं। और जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लो रुक जाता है और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो कोशिकाएं को एनर्जी के अभाव में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये प्रोसेस नहीं होगी और कोशिकाएं एनर्जी के अभाव में मरना शुरू हो जाती। दिस इज कॉल्ड सेल नेक्रोसिस। और जब सेल की नेक्रोसिस शुरू हो जाती है तो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और बॉडी के सबसे पहले असर पहुंचता है ब्रेन, क्योंकि हार्ट से ऊपर है ब्रेन। और जब भाई नीचे ब्लड के लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन ऊपर फ्लो होने के लिए एनर्जी, क्या एनर्जी पंप हमारा होना जरूरी है। ब्लड प्रेशर डाउन होगा, कुछ भी काम होगा, सबसे पहला असर कहां जाएगा? ब्रेन, क्योंकि सबसे टॉप पे क्या है? ब्रेन। तो सबसे पहले सप्लाई रुकती है ब्रेन, और जैसे ही ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में रुकती है सडन इंसान को कोमा आना या बेहोशी आना, मूर्छा आना शुरू हो जाता है। और वही जो आपके सिम्टम है वो क्या है? शॉक। तो शॉक क्या है? शॉक ये है कि जब हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो एनर्जी के अभाव में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और वो उनका डेथ होना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉक। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ईच एंड एवरी सेल। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑकर्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन द लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी देन द शॉक कंडीशन इज देयर। या आप सीधी भाषा में कह सकते हैं, बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं कि व्हेन ऑक्सीजन इज इनसफिशियंट टू रीच आवर द सेल्स देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड शॉक। जब हमारे बॉडी के कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा उसे क्या बोलेंगे? शॉक। ये है शॉक की कहानी और शॉक क्या होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि शॉक भैया होते हैं चार प्रकार, होते तीन प्रकार के हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगराइज करके चार प्रकार दिया गया है। पहला शॉक है हाइपोवोलेमिक शॉक। नाम याद कर लो बच्चों, क्या नाम है? हाइपोवोलेमिक शॉक। चार प्रकार के शॉक होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। दूसरा होता है आपके आपके सेप्टिक शॉक बोलते हैं इसको, सेप्टिक शॉक, जैसे चोट सीके। ठीक है, तीसरा होता है हमारा कार्डियोटॉनिक शॉक। कार्डियोटॉनिक शॉक अपनी कॉपी में लिख लेना मन लगा के। एंड लास्ट इज द अदर शॉक, यानी इसको हम मिसलेनियस शॉक भी कह सकते हैं। यानी चार कैटेगरी में हम बांट सकते हैं कि शॉक क्यों होता है। देखिए, आपको मैंने बताया मोटी मोटा बात कि शॉक कब होगा? जब हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। अब हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचेगा? कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाए। ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाएगा तो ऑक्सीजन कहां, हमारे जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कहां से पहुंचेगा? दूसरा, ब्लड वॉल्यूम घट जाए, हमारे ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाए? घट जाए। तो भाई ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो सप्लाई ब्लड प्रेशर भी घटेगा, शॉक हो जाएगा। तीसरा, हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाए। कैसे लॉस हो जाए? बह जाए, कहीं जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया, कट फिट गया, ज्यादा खून बाहर बह गया। जब बॉडी से बहुत खून बढ़ जाएगा, बह जाएगा, तो बॉडी में खून कमी हो जाएगी, तो हमारा ब्लड जो है, क्योंकि ब्लड से ऑक्सीजन पहुंचता है, तो जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। या हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, वायरस का, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, जिससे शरीर जो क्या होता है, सेप्टिसीमिया क्या होता है कि आपके जो ब्लड होते हैं वो पस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मवाद बन जाते हैं, कहते ना खून का मवाद हो जाना। क्या होता है? जहां पे कहीं आपको देखते हैं जहां घाव लगती है वहां मवाद, यानी पस कैसे बनता है? आपका जो ब्लड होता है वही WBC जो होता है वो पस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपका जो खून है अगर वो खराब हो जाए, वो मवाद में कन्वर्ट हो जाए, तो भी बॉडी में ब्लड की मात्रा घटेगी। ठीक है, या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्ट टुल्लू है, पंप करता है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो भी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, और तो भी आपका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है।
तो चलिए बाकी अगर हम कुछ बातें करेंगे तो फिर पहली बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। पहली हेडिंग है हाइपोवोलेमिक शॉक, अगली हेडिंग जैसे होता है ना शॉक की जॉब फोर टाइप्स, अपने चारों का नाम लिख दिया। अगली हेडिंग है हाइपोवोलेमिक शॉक, नाम से देखिए नाम से क्या लग रहा है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम और वोलेमिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, नाम बता रहा है खुद कि मैं कौन हूं। हाइपोवोलेमिक मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम हाइपो हो जाए, कम हो जाए, और जब कभी भी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऐसे शॉक को क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब ये हाइपोवोलेमिक शॉक कैसे हो सकता है, पहला ब्लड लॉस हो जाए, हमारी बॉडी में ब्लड लॉस हो जाए, डायरिया मतलब कि हमारे कहीं एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया और बॉडी से ब्लड लॉस हो गया, उस केस में भी ये हो सकता है। दूसरा हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाए, भाई अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत उल्टी और लैट्रिन हो रही है, इसको डायरिया कंडीशन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा उल्टी और लैट्रिन होने से उसकी बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा हो गया, जब बॉडी का वाटर लॉस ज्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा और उस केस में भी क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया। आप देखोगे जब किसी इंसान को बहुत बार उसको उल्टी लैट्रिन हो गई, 10-12 बार हो गई, तो वो फर्स्ट होकर बेहोश हो जाता है, कभी होता है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी से ये शॉक हो गया, कौन सा शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक। कुछ चीजें और होती है, ब्लड प्रेशर घट जाए, ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाए, घट जाए, उस केस में क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। या ब्लड वॉल्यूम हमारे शरीर में कम हो जाए, किसी इंसान का एनीमिया हो गया, उसके शरीर में खून कमी हो गई, उस केस में क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। तो ये या फिर जब कोई डिलीवरी के समय प्रेग्नेंट लेडी के बहुत ब्लड लॉस हो गया, उस केस में क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हम डालेंगे हेडिंग हाइपोवोलेमिक शॉक, उसमें क्या लिखेंगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक इज अ टाइप ऑफ शॉक व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स हाइपो एंड वोलेमिक। It means it is when the blood volume is reduced in our body, then the oxygen supply is also insufficient. This is called hypovolemic shock, and it may be caused by the following reasons. Following reasons जो बताया मैंने आपको पहले, पहला reason क्या लिखेंगे, number A, blood loss due to trauma, किसी भी accident में trauma में blood loss हो गया, ठीक है, blood loss due lack of blood due to anemia, hypertension, blood pressure घट जाना, ठीक है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम बॉडी ड्यू टू डायरिया, ठीक है, इन कारणों से जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक सेप्टिसीमिया। दूसरा आता है, ये दूसरा शॉक है सेप्टिक शॉक, सेप्टिक नाम से लग रहा है सेप्टिसीमिया, सेप्टिक मतलब क्या होता है, पॉइजनस होना है हमारी बॉडी में। जब अब ये क्यों होता है कि मान लीजिए किसी इंसान के शरीर में कोई चोट लग गई, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या उसको कोई घाव हो गया, तो उसके बॉडी में वायरस बहुत ज्यादा एंट्री कर जाते हैं और उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा वायरस के कारण उसका शरीर खराब होने लगता है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में मैक्सिमम बैक्टीरिया, कौन से, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, इसर्सिया कोलाई, है ना, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, स्टैफिलोकोकस, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, जब हमारे बॉडी के अंदर अटैक करते हैं तो वह हमारे ब्लड को पस में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी हमारा खून जो होता है वो मवाद बन जाता है। इस केस में भी ब्लड का वॉल्यूम बहुत तेजी से घटने लगता है और जब ब्लड पस में कन्वर्ट होता है तो ब्लड की विस्कोसिटी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, ब्लड का फ्लो रेट कम हो जाता है, तो सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस केस में हमको एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, हाई एंटीबायोटिक देने होता है ताकि बैक्टीरिया हमारे जो बॉडी में वो किल हो जाए। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू एनी इरोजन, ड्यू टू एनी वॉन्ड्स, ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल केस, व्हेन द बैक्टीरियाज लाइक ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, इसर्सिया कोलाई, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया अटैक ऑन ह्यूमन बॉडी, देन दे इंटर इनटू द ब्लड एंड दे कन्वर्टिंग द ब्लड इनटू द पस, इन दैट कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज रिड्यूस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पस इज इंक्रीज, सो द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशियंट टू द सेल्स, एंड दिस काइंड ऑफ शॉक इज कॉल्ड सेप्टिक शॉक, एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ शॉक एंटीबायोटिक्स आर गिवन। इसके लिए क्या देते हैं लोग, एंटीबायोटिक्स। चलिए आगे बात करते हैं कार्डियोटॉनिक शॉक की बात करते हैं। तो कार्डियोटॉनिक शॉक आपको नाम से ही लग रहा है क्या है, कार्डियो मतलब हार्ट, टोनिक मतलब क्या होता है, टोन, जोन मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रेशर, आपने सीएचएफ पढ़ा था। तो क्या होता है, जो बीमारी हार्ट की है, अब इसके पहले वाले यूनिट में हम हार्ट की बात कर रहे हैं, इस यूनिट में हम ब्लड की बात कर रहे हैं, जैसे कि सीएचएफ, जैसे कि एरिथमिया, ठीक है, ये क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, ये सब अलग अलग जो बीमारियां हैं, जब किसी हार्ट की किसी पर्टिकुलर बीमारी के कारण हमारा ब्लड हार्ट को प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो उस तरह उस बीमारी के कारण जो शॉक होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डियोटॉनिक शॉक, ठीक है। तो कार्डियोटॉनिक शॉक्स आर अराइज ड्यू टू द प्रॉब्लम्स इन द कार्डियक, ड्यू टू कार्डियक प्रॉब्लम्स लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, सीएचएफ हो गया एंड एरिथमिया, ठीक है। सो द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशियंट टू द ऑर्गन्स एंड दिस शॉक इज कॉल्ड कार्डियोटॉनिक शॉक।
अगर शौक क्या है, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिनके कारण हमारा शौक हो रहा है बॉडी में इनके अलावा, ठीक है। जैसे हम कुछ और, जैसे एक सिस्टम है रास सिस्टम, आपको पता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसमें क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। अगर ये इफेक्ट हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उस केस में भी क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। जैसे दूसरा रीजन है डायूरेटिक्स, आपने कोई ड्रग ऐसा लिया जो डायूरेटिक्स है। अब क्या करता है डायूरेटिक्स, आपके बॉडी से यूरिन के लेवल को बढ़ाएगा। जब यूरिन के लेवल को बढ़ाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम अपने आप घटेगा। जब ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो ये वाला चोचला शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत छोटे मोटे रीजन है, ठीक है। तो जैसे रीअब्जॉर्प्शन वगैरह इन सब वालों को देख लीजिएगा, दो तीन रीजन है। तो बस यही सिंपल से अदर शॉक, ठीक है। इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि यूनिट 2 में क्या पढ़ना है और शॉक क्या होता है। तो बड़े शॉक से हम नेक्स्ट क्लास में शॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और हम शॉक की थेरेपी की बात करेंगे, मैनेजमेंट थेरेपी ऑफ शॉक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।